गदर 2 ने ऐसा माहौल बनाया है कि बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन सिनेमास तक सब कांप गए हैं। थोड़े वक्त पहले खबर आई थी कि सनी की फिल्म टाइगर 3 भी काफी ज्यादा आगे निकल गई है। अगर बात विश लिस्ट और लाइक्स की हो तो अब शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान से कम्पीट करने के लायक है। इसी सब के बीच गदर 2 का एक ट्रेलर आ रहा है। 15 जून को फिल्म का 1 मिनट का टीजर मेकर्स लाने वाले हैं, जिसमें 1 मिनट ही काफी होगा सबको ये बताने के लिए कि असली गुंडा कौन है। KGF की सोने की दुनिया और पुष्पा का झुके का नहीं साला वाला एटीट्यूड धारा का धारा रह जाएगा जब तारा सिंह गदर मचाने आएगा। इसी के चलते कुछ पिक्चर्स लीक भी हुई हैं, जिसमें सनी हाथ में पहिया उठाए खड़े हैं। गदर 2 का लोगों में जितना क्रेज है उतना ही गुस्सा भी है। हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि गदर 2 बने। उनका कहना है कि आखिर मेकर्स 20 साल बाद इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, और वो भी बिना उन किरदारों के जिनकी वजह से मूवी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। वहीं कुछ लोगों का तो कहना ऐसा भी है कि गदर 2 को बनाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे उत्कर्ष को लॉन्च करना है, क्योंकि गदर के पहले पार्ट में उत्कर्ष ने चाइल्ड एक्टर का रोल निभाया था और अब उसी की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। लोगों का कहना है कि डायरेक्टर अपनी किसी और फिल्म का रीमेक भी तो बना सकते थे, जैसे कि मोहरा, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे को इंडस्ट्री में सेटल करना चाहते हैं और उसके लिए वो सनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिल्म में इतने बिग बजट सीन्स और पूरी की पूरी स्टार कास्ट को रिपीट करना सब बस अपने बेटे के करियर के फायदे के लिए किया जा रहा है, और अगर ये सच भी है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। गदर 2 के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फिल्म को काफी बड़ी बड़ी फिल्म्स से क्लैश करना होगा। इसमें भी सबसे अजीब बात ये है कि 11 अगस्त को ही सनी के भाई बॉबी की फिल्म एनिमल आ रही है। पहले तो खबरें ये थी कि कोई एक फिल्म अपनी रिलीज डेट चेंज कर लेंगे और सब सही हो जाएगा, लेकिन गदर के डायरेक्टर ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो फिल्म पोस्टपोन नहीं करेंगे। इसी के चलते दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी तरफ है संदीप रेड्डी, जिनका एटीट्यूड ऐसा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर इन मूवीज का क्लैश हो गया तो आप किसकी टिकट बुक करेंगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।